बदलाव होने से हमें क्या दिशा दिख रही है? हमारी दिशा को मोड़ना चाह रहा है सरकार अक्षय ऊर्जा की तरफ। पीएम मोदी भी अमेरिका हो, रतन पावर हो, रिलायंस पावर हो, टाटा पावर हो, अडानी हो, एनटीपीसी हो, एनएचपीसी हो, एसजेवीएन हो, जितनी भी तमाम कंपनी अपनी इंडिया की है, अगर समझिए इस न्यूज को, और इस न्यूज को लिए आपके लिए खोजी है, और ये आपको कोई भी टॉपिक नहीं बताएगा, वरना आपको रिलायंस पावर में लोग कहते रहेंगे 50-60 पर जाएगा। अंदर एक छोटी सी न्यूज आती है और ये थोड़ा सा भागता है, उसके बाद ये फिर गिरने की स्थिति में ही आ रहा है। इसके अंदर पंख क्यों नहीं लग रहे? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सर, कि काम कर रहे हो, चाहे वो थर्मल पावर से अपनी बिजली को उत्पन्न कर रहे हो, ये सब शेयरों के ऊपर आज एक वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन एक दृष्टि दिखा रहा हूँ उसके अंदर। विशेष आज हमने खुशी खुशी संयम मार्केट में दे दिया ना, तो कल को हमें खुशी खुशी ही उसका फल मिलेगा। यानी कि अगर हम नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, बात करेंगे कि BCG में सब कह रहे हैं सर अब क्या करें इसके अंदर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बिजली मंत्रालय के तरफ से जो बिजली की दरों में जो बदलाव होंगे उसके अंदर हमें आर पावर, रतन पावर हो गया, जेपी पावर हो गया, या फिर बड़े बड़े शेयर जो टाटा पावर हो गया, अडानी पावर हो गया, इस तरीके की जो शेयर होते हैं उसके ऊपर हमारी किस तरीके से हमारी नज़र जाएगी, क्या ये नियम से जेपी पावर, रतन पावर और आर पावर में कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, या सुजलोन एनर्जी के यहाँ से बाहर आने की उम्मीद बढ़ जाएगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बात करेंगे सर NHPC की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, कि संयम तो मार्केट में हमें देना पड़ेगा। अगर आज हमने खुशी खुशी संयम मार्केट में दे दिया ना, तो कल को हमें खुशी खुशी ही उसका फल मिलेगा। यानी कि अगर हमने गिरती हुई मार्केट में न्यूज को समझा, उस पर संयम दिया, और अडानी ग्रुप में जिस तरीके से भी न्यूज आ रही है उसमें उनके हमने काम देखे, संयम देखे, तो बाद में हमें इसका प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर कि अगर संयम हमारे जीवन में नहीं रहा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम खुशी खुशी संयम को दे सकते हैं, धैर्य दे सकते हैं, लेकिन बाद में ना रो रो कर भी संयम देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, जब हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है उसके बाद भी तो हमें आगे जाकर उस लॉस को जब बुक कर लेते हैं उसमें भी फिर हमें संयम देना पड़ता है। इसलिए देना पड़ता है, भाई अब कुछ नहीं हुआ, चलो चला गया, बाद में हम और शेयरों को खरीद लेंगे या अलग तरीके से हम काम करेंगे, फिर वहाँ पर रो रो कर संयम देना पड़ता है। ये जो संयम है ना सर, जिंदगी में तो चलता ही चलता है, हर एक चीज़ अपने समय के अनुसार चलेगी, और हर एक चीज़ अपने संयम को देकर उस पर हम वेट कर हर चीज़ों को जीत सकते हैं। शेयर मार्केट का मंत्र है संयम देना पड़ेगा। आज खुशी खुशी संयम दो, कल को भी खुशी खुशी संयम आपको और आगे बढ़ाएगा, नहीं तो रो रो कर भी संयम हमें देना ही पड़ेगा फिर मजबूरी में। बातों को समझो, और बातों को जो समझेगा आगे जाकर देखा जाएगा कि उसके अंदर कितनी क्षमता है प्रॉफिट कमाने की। अब बात करते हैं जेपी पावर, आर पावर, सुजलोन एनर्जी, टाटा पावर, अडानी पावर और जितने भी पावर के शेयर हैं, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की तरफ काम कर रहे हो, चाहे वो थर्मल पावर से अपनी बिजली को उत्पन्न कर रहे हो, ये सब शेयरों के ऊपर आज एक वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन एक दृष्टि दिखा रहा हूँ उसके अंदर। विशेष तौर पर एक ऐसी दृष्टि आज की वीडियो में है जो पावर के सेक्टरों पे आपका एक दिमाग को चेंज करेगी। आपको अगर ऐसा प्रतीत हो जाए कि जो आपके, देखो सर एक बात बताऊं मैं आपको, जिस तरीके से भी हमें बिजली मिलती है तो हम उसका बिजली का उपयोग करते हैं, और उस उपयोग करने के बाद जो भी हमारी यूनिट होती है उसके हिसाब से हम बिल देते हैं। ये सबको पता है कि हमारे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व तब बढ़ जाता है कि कुछ चीज़ों को जब हम उपयोग करते हैं उसका हम बिल देते हैं, तो इसके अंदर एक आता है बिजली भी आता है इसके अंदर, आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब इस बिजली की दरों में अगर कोई बदलाव हो जाए तो उसका इफेक्ट आपकी जेब के ऊपर भी पड़ेगा और कंपनी के ऊपर भी पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ,
बिजली मंत्रालय ने शुक्रवार के दिन एक ऐलान करा है कि दिन के दिन तो 20% बिजली की कमी होगी, यानी कि 20% बिजली की कमी, यानी कि बिजली की दरों की कमी होगी, और रात को 20% ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर दिन में बिजली को हम यूज करते हैं तो हमें जो दर आएगी ना वो 20% कम लगकर आएगी, और अगर रात को करेंगे तो 20% ज़्यादा आएगी। अगर आपको पता है कि लोग सुकून से जीने के लिए रात को एयर कंडीशन का भी यूज करते हैं, तो ज़्यादा बिजली की खपत रात को भी होती है क्योंकि सर फिर लाइटें जलती हैं। इससे क्या हो रहा है सर? ये बिजली के बदलाव होने से हमें क्या दिशा दिख रही है? हमारी दिशा को मोड़ना चाह रहा है सरकार अक्षय ऊर्जा की तरफ। पीएम मोदी भी अमेरिका की यात्रा पर गए हैं और हरित ऊर्जा केंद्र हमारा इंडिया बनने के लिए उन्होंने वो सपने देखे हैं, उस सपने के लिए हर एक कंपनी दौड़ रही है। अब इस अक्षय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो भी कंपनी अच्छा वर्क करेगी उसको आगे जाकर बेनिफिट होगा, क्योंकि बिजली की दरें जो ये चेंज होगी ना सर, ये होगी सर अप्रैल 2024 से, और ये सबसे पहले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए होगी, और एक साल बाद ये होगी सर आपसी के क्षेत्र को छोड़कर सारे उपभोक्ताओं के लिए पूरे भारतवर्ष में हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ दिखा दी है कि इसको इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारा रुझान अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लग जाए। ध्यान रखना सर, इससे बहुत चीज़ें निकल रही हैं। अब कोई भी कंपनी, चाहे वो जेपी पावर हो, रतन पावर हो, रिलायंस पावर हो, टाटा पावर हो, अडानी हो, एनटीपीसी हो, एनएचपीसी हो, एसजेवीएन हो, जितनी भी तमाम कंपनी अपनी इंडिया की है, अगर उन्होंने सुजलोन हो, उन्होंने अगर अपनी क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ा लिया तो वहाँ बेस्ट संकेत है। सुजलोन एनर्जी पूर्णतया क्या है? ग्रीन एनर्जी की तरफ है। एनएचपीसी क्या है? ग्रीन एनर्जी की तरफ है। जेपी पावर, रतन इंडिया पावर, इनके थर्मल पावर आते हैं, रिलायंस पावर, अडानी पावर, लेकिन अडानी पावर क्या करता है, ये सोलर के क्षेत्र पर भी है, इनकी जो ग्रुप है विंड टर्बाइन के क्षेत्र पर भी है। लेकिन अगर छोटी कंपनी पर हमारा दिमाग जाए भी, अगर जेपी पावर अपनी अक्षय ऊर्जा की क्षमता को ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा तो आगे जाकर ये कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए निगेटिव है। रिलायंस पावर जिस तरीके से अक्षय ऊर्जा को ज़्यादा नहीं फैलाएगा तो ये आगे जाकर हमारे लिए निगेटिव है। रतन पावर अगर ये अक्षय ऊर्जा पर ज़्यादा नहीं जाएगा तो ये हमारे लिए निगेटिव है। लेकिन सुजलोन एनर्जी वो पूर्णतया, आपको बातों को समझना है कि टाटा पावर भले ही थर्मल पावर से अपनी बिजली को उत्पन्न करता हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो भी विंड और सोलर पर अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि वो 20 गीगावाट की अपनी क्षमता को 2027 के सपने टाटा पावर देख रहा है। और अडानी पावर, तो आपको पता है कि अडानी पावर ने अभी आपको हाल ही में देखने को मिला था कि महाराष्ट्र में टाटा पावर को भी पछाड़ दिया, क्योंकि टाटा पावर के 3000 उपभोक्ता ने आवेदन कर दिया था अडानी इलेक्ट्रिसिटी में। क्यों किया था? क्योंकि उनकी दरें कम थी, और जब दरें उनकी कम थी तो पता लगा कि उनकी दरों में अधिकतर जो चीज़ें निकल गई अक्षय ऊर्जा से वो बिजली ले रहे थे। ध्यान रखना, तो अक्षय ऊर्जा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ लोगों के लिए हो सकता है कि 20% चीज सुबह कम हो गई दिन में और 20% रात को ज़्यादा हो गई, कुछ नहीं दिख रहा होगा किसी को। दूर की दृष्टि बनाइए, अगर आपका विषय एनर्जी पर है, वो भी ग्रीन एनर्जी पर, अक्षय ऊर्जा पर है, नवीनीकरण ऊर्जा पर है, तो आपकी दशा आगे जाकर ये जो दरें चेंज होगी ना, तो वहाँ पर आपको सुजलोन एनर्जी, NHPC, SJVN और JP पावर अगर ज़्यादा इस तरीके से काम करें, जितने भी छोटे शेयर हैं, फिर आपको अपने हिसाब से देखना चाहिए। हमारा इन्वेस्टिंग का मतलब यही है कि हमें न्यूज को खोजना है, और जिस दिशा पर हमारा देश चल रहा है उस पर हमें विशेष तौर पर एक पढ़ लेना है कि भाई हमारे सामने सारी चीज़ें तो निकल कर आ रही है ना, और साफ साफ लिखा है कि अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ावा देना। तो अगर छोटी कंपनियों ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा नहीं दिया तो फिर ये निगेटिव हो सकता है सर आगे जाकर इनके लिए। लेकिन टाटा पावर, अडानी पावर ये दे रहे हैं, ये सुचारू रूप से अपने को बढ़ा रहे हैं अक्षय ऊर्जा की तरफ। ध्यान से समझिए इस न्यूज को, और इस न्यूज को लिए आपके लिए खोजी है, और ये आपको कोई भी टॉपिक नहीं बताएगा, वरना आपको रिलायंस पावर में लोग कहते रहेंगे 50-60 पर जाएगा, तब जाएगा अगर उन्होंने अपनी अक्षय ऊर्जा को बढ़ाया। जेपी पावर 50-60 पर तब जाएगा अगर उन्होंने अपनी अक्षय ऊर्जा की क्षमता पर ज़्यादा ध्यान दिया। रतन पावर भी अगर इस तरीके से अपनी अक्षय ऊर्जा को बढ़ाएगा, अब यहाँ मसला आ गया है कि जो अपनी अक्षय ऊर्जा की क्षमता को अपने द्वारा बढ़ाएगा वो आगे तक जाएगा। बिजली मंत्रालय ने साफ साफ कहा है
कि भाई आपको अक्षय ऊर्जा की तरफ ये जो ध्यान केंद्रित हो जाए इसके लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए सर, दरें चेंज होने का मतलब है कि पूरा पावर सिस्टम की चीज़ों का अलग तरीके से अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ावा देना। समझिए नीति को और समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं। NHPC SJVN सर, ये क्यों हाइड्रो इलेक्ट्रिक की जो काम करते हैं इसके अंदर बेस्ट बना हुआ है। ब्रोकरेज फर्म JJM फाइनेंशियल ने कह दिया है कि उनको बहुत अच्छी संभावना हाइड्रो के क्षेत्र पर लग रही है और उसके अंदर NHPC SJVN में उनकी ना बाय की कॉल आ रही है। क्यों आ रही है इस तरीके से? क्योंकि उन्हें पता है कि नवीनीकरण ऊर्जा पर उनको एक अच्छी स्थिति इन दोनों कंपनियों के द्वारा दिख रही है। हर एक स्थिति को अगर हम समझे कि NHPC आपको जल के साथ साथ ये आपको सोलर के क्षेत्र पर भी उतरता जा रहा है। मैंने आपको हर बार बताया कि ये जो सरकारी कंपनियां हैं ये जो काम करती हैं इसके अलावा भी ये दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले इन्होंने जनवरी में उड़ीसा के साथ मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया जो 500 मेगावाट की सोलर परियोजना में उन्होंने वहाँ पर एक नई कंपनी का भी निर्माण NHPC ने किया है। तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत है सर। अभी हाल ही में ISTS से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापना करने के लिए NHPC ने 3000 मेगावाट की बोली बुलाने के लिए निविदाएं निकालने जा रहा है, जिसके अंदर वो सौर ऊर्जा को जो डेवलप करेगा उसके लिए ये निविदाएं हैं। यानी कि NHPC को पता है कि पूरे देश भर में ISTS यानी कि अंतर्राज्य प्रेषण प्रणाली के तहत वो एक मिशन के तहत 3000 मेगावाट के लिए देश भर में इस तरीके की वो सौर ऊर्जा पे बोलियां लगा रहा है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, मैं आपको बता दूँ। ये सारी एक विषय हमें ध्यान पर रखना पड़ेगा। और ये अगर आपके दिमाग में बातें आ रही हैं कि इस तरीके से ये सौर ऊर्जा के लिए काम जो है NHPC कर रहा है, तो विशेष तौर पर ये हमारी रणनीतियों पर खरा उतरेगा सर। बिजली मंत्रालय ने कहा है कि NHPC ने उड़ीसा में पंप स्टोरेज करने के लिए भी काम शुरू कर दिया है, जो 2000 मेगावाट तो पंप स्टोरेज और 1000 मेगावाट सर सोलर में होगी, फ्लोटिंग में। जिस तरीके भी सोलर में जो भी यूज होती है, जो भी प्रणाली होती है, वो सारे काम करने के लिए उड़ीसा में भी NHPC में अभी हाल ही में इस तरीके की एक निविदा या हस्ताक्षर किए हैं सर। ध्यान रखना, NHPC एक विशेष तौर पर उस क्षेत्र के लिए बढ़ रहा है जिस क्षेत्र पर हमारे देश का ध्यान है, वो है सर अक्षय ऊर्जा की तरफ। तो JM फाइनेंशियल ने भी इनके तरफ अपनी एक अच्छी रणनीति बाय की दे रखी है। तो अब देखना है आप, क्योंकि NHPC बढ़ चढ़कर जो भाग ले रहा है ना देश में सोलर के क्षेत्र में, पंप स्टोरेज के क्षेत्र में, जल विद्युत के क्षेत्र में, एक अच्छी चीज़ों के साथ हमारा NHPC उभर रहा है सर। अब बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की एक स्थिति ये हो रही है कि इसके अंदर एक छोटी सी न्यूज आती है और ये थोड़ा सा भागता है, उसके बाद ये फिर गिरने की स्थिति में ही आ रहा है। इसके अंदर पंख क्यों नहीं लग रहे? मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर कि हमें पता है कि वोडाफोन आइडिया को है फंड की ज़रूरत, और इस फंड के लिए वो अपना बकाया जो है सर वो इंडस टावर का जो देना है उसको भी वो पूरा करेगा। मैं आज एक बात सर इंडस टावर के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। देश की सबसे बड़ी सर टेलीकॉम टावर वाली कंपनी हमारी इंडस टावर जो है ना, उसका प्रमुख ग्राहक कौन है? वोडाफोन आइडिया है। और वोडाफोन आइडिया की वजह से इंडस टावर सर है। अब आपको बातों को समझना है कि इंडस टावर ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया मासिक किस्त जो होती है उसकी, जो उन्होंने भी जिस तरीके से ये यूज कर रहे हैं टावर, उसका वो भुगतान कर रहा है। ये इंडस टावर ने कह दिया, यानी कि जब वो अपने जो भी मासिक उसकी किस्त है वो इंडस टावर को पैसा दे रहा है, यानी कि वोडाफोन आइडिया को आगे भी काम करना है। ये एक मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये इंडस टावर ने बोला है, लेकिन इंडस टावर ने ये भी कहा है, बातों को समझना आप, कि इंडस टावर ने ये भी कहा है कि अगर वोडाफोन आइडिया को अपना पिछला बकाया देना है, पूरा करना है, तो उसको फंड की जरूरत। अब इससे मसले क्या निकल रहे हैं? अब अभी आप सोचो, हम सोच रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया के पास फंड आएगा तो वो अपनी रणनीतियों को अच्छा करेगा, 5G लाने की बातें करेगा, 5G पे काम के लिए बातें करेगा, या अन्य चीज़ों के लिए वो वर्क करेगा जिस तरीके से कुमार मंगलम जी इस कंपनी के अंदर आए हैं। हमारी रणनीति ये है
कि फंड आएगा तो ये अपने काम के प्रति ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगा। लेकिन इंडस टावर क्या कह रहा है कि वोडाफोन आइडिया को फंड जुटाने की आवश्यकता है, उसको बकाया देना पड़ेगा। यहाँ दो बातें आ गई कि अब हमें देखना है कि जो फंड आएगा उसमें से वो कुछ पैसा इंडस टावर को देगा या अपना पैसा वो अपने काम के लिए लगाएगा। अगर उसने अपना पैसे में से कुछ पैसा इंडस टावर के लिए दिया तो यहाँ पर इंडस टावर बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फंड की बात करी है इंडस टावर ने। इंडस टावर ये भी कह सकता था कि उसको अपना बकाया चाहिए वोडाफोन आइडिया से कहीं भी लाए, कह सकता था। लेकिन इंडस टावर ने क्या कहा कि वो मासिक किस्त तो दे रहा है लेकिन उसको पिछला बकाया जो देना उसके लिए उसे फंड जुटाने की आवश्यकता हो। यानी कि इंडस टावर को पता है कि अगर वोडाफोन आइडिया को हमारा पैसा देना है तो उसे फंड लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, उसके पास नहीं है। तो जब वोडाफोन आइडिया को फंड की उम्मीद है इंडस टावर को, तो उसे अपने पैसों के लिए है, यानी कि उसे पता है कि उसका पैसा है, वो फंड जुटा के करेगा। तो यहाँ अब आप समझो कि अगर फंड आया तो ये आगे जाकर वोडाफोन आइडिया में जाने लाएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो पैसा इंडस टावर के पास जाने की प्रतीक्षा में इंडस टावर बैठा है। बातों को समझना सर, अगर यहाँ पर ये चीज़ होती कि इंडस टावर कहता कि अगर वोडाफोन आइडिया को अपने काम को बहुत अच्छा करना है, 5G लाना है, लॉन्च करना है, उसे फंड की ज़रूरत होगी, जुटाने की ज़रूरत होगी, अगर ये इंडस टावर कहता तो हम मान लेते। लेकिन इंडस टावर ने क्या कहा कि उसको जो पिछला बकाया इंडस टावर को देना है उसको उतारने के लिए उसे फंड जुटाने की आवश्यकता होगी। कौन कौन समझ रहा है, उस चीज़ों को आपको समझना है। तो वोडाफोन आइडिया में मुझे नहीं लगता कि फंड आने के बाद बहुत तेज़ी के साथ संकेत मिलेंगे। देखो, मैंने आपको कहा ना कि रणनीति जो है शेयर मार्केट में अपना बदल जाती है। फंड आ जाएगा वो लाजमी आपको तेज़ी के संकेत दिखा देगा, वो दिखा देगा 2-4 दिन अगर फंड आया। लेकिन दूसरी तरफ इंतज़ार में बैठा है इंडस टावर। हमें न्यूज़ के पढ़ने के माध्यम समझने आने चाहिए कि अगर इंडस टावर ये कह दे कि भाई वोडाफोन आइडिया को फंड जुटाना बहुत ज़रूरी है उसे आगे की दृष्टि काम को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पॉजिटिव वोडाफोन आइडिया के लिए है। पर इंडस टावर अगर ये कह दे कि उसे फंड जुटाना की आवश्यकता है अगर उसे पिछला बकाया देना, यानी कि अगर पैसा इंडस टावर बहुत मजबूत हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा। फिर भी जिस तरीके से कुमार मंगलम जी आए हैं, क्या क्या रणनीति बनाते हैं, क्या क्या फंड आता है, कितना फंड आता है, कितना फंड वो इंडस टावर को देते हैं, कितना अपने काम पर लगाते हैं, क्योंकि काम के लिए इनको 5G की बहुत ज़रूरत है। आधे दोनों ने 5G लॉन्च कर दिया है, वोडाफोन आइडिया बचा है। जिस दिन वोडाफोन आइडिया अपना 5G लॉन्च करेगा वो करेगा सर उसे फंड आने पे, तो फंड एक केंद्र बन गया है। लेकिन वहीं पर एक केंद्र इंडस टावर ने भी दिखाया है कि उसको भी फंड की ज़रूरत है सर। तो सर बात करेंगे सर BCG की। सर देखो सर, BCG में क्या है कि अगर मैं आपको छोटी सी बात BCG में बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि जो भी चीज़ें SEBI ने की है क्या वो बिना सोचे की है, क्या उसके ऊपर SEBI ने 1-2 दिन में जांच की है, क्या SEBI ने जो अभी इसके ऊपर फाइन लगाया था क्या वो 1 दिन में हो गया था? SEBI जांच करता है। अब वो उस कंपनी के लिए जांच कर रहा है जिसने अपने प्रमोटर में, अपनी कुछ चीज़ों में, अपनी अकाउंटिंग में, तो जितनी भी चीज़ें SEBI कर रहा है एक एक्चुअल चीज़ों के साथ कर रहा है। लोगों की बातों में मत आना कि सर टारगेट 40-45 के आ रहे हैं लेकिन कुछ लोग इसके 19 के भी टारगेट दे रहे हैं। तो दोनों तरफ आपको समझना है, आपको उस नाव पर बैठना है जिस नाव का सब कुछ सही हो। ध्यान रखना, जिस चीज़ के बारे में आपको पता हो कि आगे ऐसे हो सकता है उस पर कभी नहीं बैठना है। और अगर आपको उसके अंदर बैठने का दिल है तो सोचना है कि मेरा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें आगे जाकर इसको और गिरावट में लाएगी, क्योंकि SEBI की चीज़ें भी चल रही हैं और आप इससे थोड़ा दूर हो सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। और हमें लगता है कि अगर SEBI वाली चीज़ें कुछ नहीं इसके अंदर और हम चुपचाप बैठ गए कि भाई नहीं कुछ ना कुछ हो सकता है और आगे जाके कुछ ना हुआ, तो वहाँ पर भी तब भी हम ही सही हैं क्योंकि हमने एक सिचुएशंस के अनुसार अपने कदमों को पीछे किया है। तो BCG में मुझे नहीं लगता कि अभी इसके अंदर हमारी कुछ प्रतिक्रिया इसके अंदर बनेगी। अपनी प्रतिक्रिया को अच्छा कीजिए, स्वच्छ तरीके से शेयर मार्केट में आइए, क्योंकि जी बिजनेस के तरफ भी इसके ऊपर काफ़ी पहले आपको पता है कितनी न्यूज आई थी, उन्होंने कुछ बातें कही थी BCG के लिए, इसलिए फिर SEBI ने भी कुछ चीज़ें की हैं। तो ये बड़े बड़े जो एनालाइज करने वाले ऐसे नहीं बैठे हैं सर, इनके अंदर भी कुछ चीज़ है, कुछ हुनर है, वो देख लेते हैं।
तो इसलिए सोचिए कि क्या BCG को सिर्फ हम ही लेने की सोच रहे हैं या कुछ बड़े बड़े लोग भी सोच रहे हैं। तो वेट कीजिए सर, बाद में भी पकड़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जब इसके अंदर सब कुछ अच्छा है तो फिर ये 100 से नीचे आए क्यों हैं सेब, ये आपको समझना है। सेबी की जांच है, थोड़ा सा दूर रहिए, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है, अपनी दृष्टि को अच्छा करना है। ये छोटी सी बात बतानी थी क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर BCG में क्या करें। देखो सर, मैं तो उस गड्ढे पर कभी पैर नहीं रखता जिस गड्ढे का मुझे अंदाज़ा लग जाए कि भाई ये गड्ढा है, मैं गिर सकता हूँ, मैं कभी उससे दूर ही हो जाता हूँ। तो आपको भी ये सोचकर चलना पड़ेगा। तो सर, इन सारी अवस्थाओं को आपको जान लेना चाहिए कि अगर बिजली मंत्रालय अपनी दरों पर चेंज कर रहा है, यानी कि दिन में 20% और रात को 20% ज़्यादा, तो इससे सर आपको देखना है कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। अब जोन सी भी पावर की कंपनी ज़्यादा अक्षय ऊर्जा पर ध्यान दे रही है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर ले, चाहे वो टाटा पावर हो, अडानी पावर हो, NTPC हो, SJVN हो, HPC हो, JP पावर हो, रतन इंडिया हो, रिलायंस पावर हो, इस तरीके की कंपनियां जितने भी अपने को ज़्यादा अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ा रही हैं, वो ज़्यादा कामयाब आगे जाकर हो जाएगी, ये न्यूज़ ये कहला रही है। और NTPC मैंने आपको कहा था कि वो सोलर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और राजस्थान की तरफ वो अपनी बिजली को देने के लिए उसे जो आयात करना है चीन से सोलर मॉड्यूल्स, उसके लिए भी एक न्यूज़ मैंने आपको बताई थी। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अक्षय ऊर्जा की तरफ NTPC भी बढ़ता जा रहा है। NHPC पे नज़र रखिए क्योंकि ये अपनी रडार को बहुत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है, वो भी सर निविदाएँ बुलाकर या किसी मिशन के तहत वर्क कर। तो ये सारी स्थितियों को आपको भाप लेना चाहिए।